डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग ऑल। नाउ आई एम टेकिंग योर ऑनलाइन इंग्लिश क्लास एंड टुडे आई एम स्टार्टिंग अ न्यूली एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक द टेंस। टेंस मीन्स द टाइम। हम इसमें समय के साथ सेंटेंस बनाने का अध्ययन करेंगे। समय के साथ सेंटेंस बनाने का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड द टाइम इंटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट का मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसमें, ये प्रेजेंट समय। और सेकेंड पास्ट मीन्स जो समय बीत गया, यानी मैं वीडियो आपका बना रहा हूं, ये वर्तमान है, आपका प्रेजेंट है, लेकिन मैं अभी कुछ समय पहले स्कूल आया था, वो हमारा पास्ट है। और फिर अभी हम वीडियो बना लेंगे, फिर एक दूसरा वीडियो जब बनाना शुरू करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात, यानी आने वाले समय की। द रनिंग टाइम इज नोन एज प्रेजेंट, द टाइम हैज पास्ट, पास्ट इज नोन एज पास्ट, एंड द कमिंग टाइम इज नोन एज फ्यूचर। तो हमने टाइम को क्या किया, तीन हिस्सों में बांट दिया। वी विल हैव डिवाइडेड द टाइम, टाइम मीन्स द टेंस, इंटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट प्रेजेंट, सेकेंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर। एंड वी हैव ऑल्सो नीड, वी हैव ऑल्सो नीडेड डिवाइड द थ्री पार्ट्स इंटू डिफरेंट फॉर्म मीन्स फोर फॉर्म्स, सो दैट वी कैन मेक इजी द प्रिपरेशन ऑफ सेंटेंसेस अंडर द टेंस। तो हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, हमने प्रत्येक टेंस को चार हिस्सों में, हमने प्रत्येक टेंस को चार हिस्सों में बांट दिया, और वो चार हिस्सा फोर फॉर्म्स का होते हैं। देर आर फोर फॉर्म्स ऑफ ईच टेंस। फर्स्ट इंडेफिनिट, सेकेंड कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस, फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से द टेंस इज द मेन टॉपिक ऑफ माय टीचिंग, एंड द टेंस मीन्स द टाइम। वी आर लर्निंग अबाउट द मेकिंग ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम्स, सो वी नीड टू स्टडी द चैप्टर द टेंस। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आफ्टर डूइंग स्टडी ऑफ दिस चैप्टर वी कैन प्रिपेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। सो आई थिंक द चैप्टर टेंस वी शुड स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एंड द टॉपिक
related to the literature. We should study about the text so that we can write answer, we can make a sentence, and so on. Many usefulness of the text. So we will concentrate, because in English this topic is very important. So we should need to concentrate about the study of this chapter. अगर हम इस चैप्टर का थॉरली स्टडी कर लेते हैं, वैसे तो मैं आपको बहुत सिंपल टेंस सिखाऊंगा, और जो हमारे वीडियो को रेगुलर प्रैक्टिस करेगा उसको जो है फ्लैट मोड में वीडियो को अपने मोबाइल पर कर करके लेक्चर को सुनेगा, समझेगा, और उस पर फिर घर पर सेंटेंस बनाने का प्रयास भी करेगा, तो आप अपने गार्जियन का भी इसमें सहयोग ले सकते हैं। सेंटेंस बनाए और आप अपने गार्जियन को चेक करा दी, या कोई भी भाई बहन जो टेंस के बारे में जानकारी रखता है उससे आपने चेक करा दी, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है यहाँ से डेवलप होगा, और फिर आप टेंस सीखने में सफल हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि मेरी एडवाइस आपको बहुत अच्छी लगेगी, और आप उसको जरूर फॉलो करेंगे और मेरे साथ टेंस का आनंद, सीखने का आनंद जरूर उठाएंगे, क्योंकि यह जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है बहुत इजीएस्ट वे में मैं आपको टीच करूंगा, जिसको आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भले ही मैं आपको क्लास में नहीं पढ़ा रहा हूँ, थ्रू वीडियो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत इजी होगा और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कहीं मोबाइल में कुछ लिखने के बाद सेंटेंस वगैरह समझ में नहीं आता है, तो आप मोबाइल को फ्लैट मोड में करिए और उसको इलाज करके देख लीजिए, वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगी, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और आप हमेशा, मैंने बताया, ईयरफोन का यूज किया करिए, आप बहुत हाई लाइट करके वीडियो को मत देखिए, ये सब चीजें आप अलर्टनेस में जान लें, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू ऑन द ब्लैक बोर्ड, एंड आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास मेरे साथ सतत करते रहेंगे। ये बहुत ही लेंदी मैटर है, ये काफी वीडियो में खत्म हुआ, इसलिए आप जरा सा भी इसमें मतलब कंसंट्रेट होकर के आपको इसको स्टडी करना होगा और सीखना होगा, फिर आगे देखिए जो बच्चा इसको सीख जाएगा उसको सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई एम गोइंग टू ऑन द ब्लैक बोर्ड टू स्टडी द टॉपिक, द नेम ऑफ द टॉपिक द टेंस। द टेंस आई हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दैट द टेंस मींस बी आर एनालाइज ऑफ टाइम। हम इसमें वी विल स्टडी अबाउट द टाइम। टाइम देयर आर थ्री काइंड्स, वी विल डिवाइड द टाइम इनटू थ्री काइंड्स। फर्स्ट प्रेजेंट, प्रेजेंट मींस द टाइम व्हिच इज रनिंग विद अस, द पास्ट द टाइम हैज गॉन ऑफ पास्ट, एंड द फ्यूचर द कमिंग टाइम is known as future. And now we are dividing each and every tense into four parts. 1, 2, 3, 4. Means we are dividing every tense into four parts so that we can